प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जय हरि डालमिया का गुरुवार 8 जुलाई को निधन हो गया। आपने अखबारों में मौत के संभवतः सैकड़ों नोटिस देखे होंगे, लेकिन निधन के एक दिन पश्चात अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स के पहले पन्ने पर प्रकाशित यह नोटिस उन सब में बिल्कुल अलग है। जय हरि डालमिया के निधन की यह सूचना डालमिया परिवार के बारे में बहुत कुछ कहती है। अक्सर हिंदू परिवारों द्वारा अखबारों में दिए जाने वाले श्रद्धांजलि संदेशों में भगवद गीता के श्लोक होते हैं, जिनमें आत्मा के अजर अमर होने का वर्णन है। आजकल कुछ हिंदू परिवार तो फिल्मी गाने भी छपवाने लगे हैं। श्री राम के नाम से शुरू होने वाले जय हरि डालमिया की मृत्यु सूचना में रामचरितमानस में हरि गीति का छंद के एक श्लोक की पहली दो पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां बाली द्वारा प्रभु श्री राम को संबोधित हैं। बाली मरने वाला है और राम से कहता है कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगू, जेहि जोनी जन्मो करम बस तह राम पद अनुरागू। अर्थात, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं वह दीजिए। मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म लूं, वहीं आपके श्री चरणों में प्रेम प्राप्त करूं। यह एक सगुण उपासक की पहचान है, जो सगुण ब्रह्म का उपासक है, जो मोक्ष भी नहीं मांगता है, उसके लिए प्रभु की कृपा और प्रेम ही पर्याप्त है। रामचरितमानस में ही एक अन्य प्रकरण में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि सगुणोपासक मोक्ष न ले ही, तिन कहूं राम भगत निज देही। सगुण ईश्वर की उपासना करने वाले मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम अपनी भक्ति देते हैं। अब जानते हैं कि जय हरि डालमिया का संदेश श्री राम से क्यों शुरू होता है। जिस प्रकार बाली ने अपनी मृत्यु के समय श्री राम को संबोधित किया था, यह वैसा ही है जैसे जय हरि डालमिया बाली द्वारा श्री राम को संबोधित शब्दों में श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं। वह न तो मोक्ष मांगते हैं, न अच्छे कर्मों के फल की इच्छा जताते हैं, वह हर जन्म में राम के चरणों में अनुराग चाहते हैं। आज के भौतिकवादी विश्व में यह कामना भी दुर्लभ ही है। यहाँ श्री जय हरि डालमिया के पिता श्री जय दयाल डालमिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आवश्यक है। जय दयाल डालमिया देश के प्रमुख उद्योगपति होने के साथ साथ एक धर्मपरायण, परोपकारी और दानी व्यक्ति थे। उन्होंने कई ट्रस्ट, स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रयों और मंदिरों की स्थापना और सहयोग किया। सनातन धर्म की जैसी सेवा उन्होंने की, वह अपने आप में एक उदाहरण है। वैष्णववाद में जयदयाल डालमिया की जड़ें कितनी गहरी थीं, यह इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने 7 बेटों का नाम किस प्रकार रखा। विष्णु हरि, नर हरि, मृदु हरि, जय हरि, अजय हरि, यदु हरि और रघु हरि। इनमें से 6 नाम निधन की सूचना पर हैं। उनकी बेटियों के नाम उमा और उषा थे। इसमें संदेह नहीं कि श्री जय हरि डालमिया को अपने पिता जय दयाल डालमिया से संपत्ति के अलावा बहुत कुछ विरासत में मिला था। उनके जीवन का यह संदेश हर हिंदू परिवार के लिए एक आदर्श है।